हैं। ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। राकेश गुप्ता को सीएम का ओएसडी बनाया गया है, तो वहीं संतोष सिंह को इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उमेश जोगी एडीजी उज्जैन जोन बनाए गए हैं, तो वहीं आदित्य प्रताप सिंह को एआईजी पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है। राकेश गुप्ता को सीएम का ओएसडी बनाया गया है। बता दें बड़ी खबर, जगदीश डाबर को बड़वानी का एसपी बनाया गया है। वहीं संपत उपाध्याय एसपी जबलपुर, पुनीत गहलोत एसपी देवास वर्तमान ओएसडी, राजेश इंगणकर 31 अक्टूबर को हो रहे हैं रिटायर। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। एमपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। संतोष सिंह को इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां 7 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। संतोष सिंह को इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं राकेश गुप्ता को सीएम का ओएसडी बनाया गया है। उमेश जोगी एडीजी उज्जैन जोन, आदित्य प्रताप सिंह एआईजी भोपाल पुलिस मुख्यालय, जगदीश डावर एसपी बड़वानी, संपत उपाध्याय एसपी जबलपुर, पुनीत गहलोत एसपी देवास वर्तमान ओएसडी, राजेश इंगणकर का 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट है, जिसे गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। उमेश जोगी को उज्जैन जोन का एडीजी बनाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी में 7 अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले, बड़ी खबर सामने आ रही है। आदित्य प्रताप सिंह एआईजी पुलिस मुख्यालय भोपाल, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। गृह विभाग ने आदेश जारी कर एमपी के 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं।